और बात गाइस मैं स्टोरी बताने लगती तो फिर मैं मोस्टली चीज़ें भूल जाती हूँ। इसमें ना एक और ऐसे समझ लें टू वर्ड्स हैं और या फिर कह लीजिए टू डायमेंशंस हैं, मतलब कि और इसमें ना इस तरह ये है कि यहाँ ना दो पर्सन्स ना का इकट्ठे पूर्ण होता है, या फिर उस डायमेंशन में होगा या फिर इस डायमेंशन में होगा, एक एक होगा तो दोनों में इकट्ठे होगा, या फिर ना दोनों का ना कोई एक, मतलब कि एक ना आपको मैं ना सिंपल ऐसे बताती हूँ कि एक ना कल्टीवेशन वर्ल्ड है और एक है डार्क वर्ल्ड। डार्क वर्ल्ड में एक ना जो पर्सन पैदा होगा वही सेम पर्सन यहाँ पे पैदा होगा, बर्थ होगा अगर, तो वो ना जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसका बर्थ नहीं होगा, इसका मतलब वो डार्क कल्टीवेशन जो डार्क कल्टीवेशन वर्ल्ड है ना उसके अंदर ना वो दोनों ना ट्विंस बन के पैदा होंगे, मतलब ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर्स सिबलिंग्स इस तरह बन के पैदा हो गए, या फिर तो वो ना कल्टीवेशन वर्ल्ड में ना ट्विन ब्रदर्स या सिस्टर बन के पैदा होंगे। बिकॉज गाइस मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये मैंने आपको बताया ना मैं ना मेरा बेवकूफ बड़े पता ना क्या क्या करती रहती हूँ, तो मैं ना ये फैंटेसी सोची और ये बहुत आगे जाके ना बहुत ही ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग होने वाली है, और ये फैंटेसी है भी मज़ेदार। और गाइस जिसके ना जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा गाइस बस आप इसको एज अ फैन फिक्शन लेना, एज अ स्टोरी, इसका ना कोई भी इस तरह का इतनी फालतू फैंड वो फैंटेसी सोची तो है, बट गाइस आगे मज़ा भी आने वाला है फैंटेसी की मैंने मजेदार सोचे। तो वापस अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो टू डायमेंशन था या फिर वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्विन ब्रदर या सिस्टर बन के पैदा होंगे या फिर ना डार्क वर्ल्ड में, और गाइस तो अब होप आपको समझ आ गई और आगे अपना जितने भी कन्फ्यूजन्स हुई होंगी वो ना आगे जाके क्लियर हो भी जाएंगी। और अब देखते हैं विंग, जैसे उसने उस पर्सन को हग किया था तो बहुत ज़्यादा टाइटली कर करता है, और फिर ना वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करता है और उसको ना नीचे उतार देता है विंग को, और फिर ना विंग उसकी तरफ देखता है और फिर ना उसकी आईज में ना जैसे टीयर्स होते हैं, तो फिर ना वो जो पर्सन होता है उन टीयर्स को ना वाइप करता है और फिर ना विंग के ना चिक पे किस करता है उसके दोनों चिक्स पे और दोनों आईज पे, उसके फोरहेड पे, उसकी नोज पे किस करता है, और फिर ना उसकी तरफ देखना एक बहुत ही प्यारी सी ना बड़ी स्माइल करता है, और फिर ना जो विंग है वो भी स्माइल करता है, और फिर ना अपने ना अंकल्स की तरफ मुड़ता है जो के होते हैं सोंगलान और शाओ शिंगचैन, और तो फिर ना उनकी तरफ मुड़ता है, और फिर ना वहाँ एक उसी टाइम पे ना उनके पास हो जाते हैं और उनको भी टाइटली हक कर लेते हैं, और वो दोनों भी ना विंग को ना हक कर लेते हैं, और ये सारे देखे ना बहुत ज़्यादा शौक होते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो चारों ही बहुत ज़्यादा हाई कल्टीवेटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा हाई कल्टीवेटर्स होते हैं, और वो इस तरह होते हैं कि ना लैंड सेक्ट आता है कि ना बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंड सेक्ट है, जंग सेक्ट है और ना वैन सेक्ट है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल वैन है, उसके बाद लैन है, उसके बाद फिर ना जांग है, और उस सबसे ऊपर जो है ना वो ना माने जाते कि नहीं ये वाले हैं, और ना इनका ना नॉर्मल किसी उसे ना कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी सेक्ट से, और ना जैसे विंग उनको हक लेते तो फिर ना वो दोनों भी जो सोंगलान और शाओ शिंगचैन होते वो उनको वो भी हंक कर लेते हैं, और फिर ना विंग की तरफ देखते हैं, और फिर ना वो भी विंग के ना दोनों के ना फोरहेड पे किस करते हैं, और फिर ना उस टाइम पे ना एक पर्सन की आवाज़ आती है और फिर कहता है आइंग, उस तरह बोलते हैं, और फिर ना विंग फ़ौरन पीछे मुड़ के देखते हैं, और फिर ना वो फ़ौरन उस पर्सन के पास भी भाग जाते हैं और उसको ना भी हक कर लेता है, और फिर ना वो पर्सन भी ना विंग को हक कर लेता है, और यहाँ देख रहे होते हैं ये सब हो क्या रहा है, और वहाँ ना जो होते हैं अंकल जंग और मैडम यू वो बिल्कुल काम बैठी होती हैं, बिल्कुल उनको पता है ये सब क्या हो रहा है, बिकॉज उनको ये सब पता है और ये क्या हो रहा है, तो उनको सब चीज़ों का आइडिया, तो वो बिल्कुल काम ही बैठी, और उनके फेस पे ना उन दोनों के फेस पे बहुत प्यारी स्माइल है, और वो जो पर्सन होता है वो कहते हैं कि ना शुएंग, वैसे बोलते और फिर ना सारे शो कर देते, बिकॉज जो शुएंग था उसके बारे में फेमस था कि वो ना डार्क कल्टीवेशन यूज़ करता था
और इसकी वजह से ना उसकी हेल्थ भी ना बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, बट उसके बाद उसने ना जो डार्क कल्टिवेशन को छोड़ दिया था, उसने जो ना नॉर्मल नोबल कल्टिवेशन को ना अपना लिया था, और उसके बाद फिर ना वो ना डिसिपल बन गया था, और वो थर्ड हेड हाई डिसिपल था बॉक्सर सैरन का। तो ना सब उसको देखते, और फिर ना जो शुयांग होता है वो ना विंग को देखता, और फिर ना वो उसके ना हेड वो भी ना उसको उसके वेस्ट से उसने जरा ऐसे पकड़ा होता है, उसको हकिया होता है, तो इस तरह करके ना जो विंग होता है वो उसे देख के ना स्मैश करता है, और फिर ना उसके बाद वापस भाग के जाता, और फिर ना उसके बाद ना जो बहुत सैरन होती है वो ना विंग की तरफ देख के स्मैल करती है, और कहते हैं ना लगता मुझे कोई भूल गया, तो फिर ना विंग स्मैल करता है और फौरन उनके पास जाता है बहुत सैरन के पास, उनको भी हक लेता है, और फिर कहते हैं ना ग्रैंडमा मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, वैसे बोलते, और फिर ना उनके ना चिप पे ना किस कर देता है, कहते हैं आई लव यू ग्रैंडमा, वैसे बोलते, और फिर ना कहते हैं आई लव यू टू माई ग्रैंड सन, वो इस तरह बोलते तो सारे वहाँ पे शोक हो जाते, कहते व्हाट ग्रैंड सन, और वहाँ पे ना वैन चाओ भी होता है, वैन चाओ वैन जूरियो वैन वुहान, ये सारे होते हैं कि क्या मतलब, इसका मतलब जो विंग है वो ना बहुत सैरन का ग्रैंड चाइल्ड है, तो सारे ना कन्फ्यूज रहे से ना उनको देखने लगते और शोक और कन्फ्यूज रहे से, उसके बाद जो ना मैडम यू और ना जियांग से जियांग फैमी आते हैं और वो उठते हैं, और फिर ना उनकी उन सब के पास जाते हैं, उनको बो करते हैं, और फिर ना जो ना बहुत से सैरन होती है वो ना अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर लेते हैं, और ना मिस्टर और मिसेस जांग की तरफ देखने लगते और कहते तूने मेरे ग्रैंड का सन ग्रैंड सन का अच्छे से ख्याल तो रखा है ना, तो फिर ना जो वो होते हैं मिस्टर और मिसेस जांग वो कहते कि ना ये एल्डर हमें नहीं पता, आप विंग से पूछ लीजिए ना, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप उनसे उससे पूछ लें, तो फिर ना जो विंग होता है वो कहते हैं यस ग्रैंडमा मदर फादर ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तो फिर ना जो मैडम यू सुनती है तो फिर ना उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है, और फिर ना विंग की तरफ देखने लगती है, और जो विंग होता है वो फिर ना मैडम यू के पास जाता है, उनको भी हक कर लेते बिकॉज वो काफ़ी दिनों बाद मिला होता है, तो उनको भी हक कर लेता है, और फिर ना जो वो ना अंकल चिरैन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपको ना वो आके बीच में दखल देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ये सब क्या हो रहा है विंग आपका नेफ्यू और आपका ग्रैंड चाइल्ड, तो फिर ना जो वो पर्सन होता है वो जिसने मार्क्स भी किया होता है, तो फिर ना वो आगे आता है और फिर कहता है हाँ ये बॉशिस सैरन यानी ग्रैंडमा का ग्रैंड चाइल्ड है, और फिर ना विंग की तरफ देखता है और इस तरह बोलते हैं, तो फिर ना सारे ना कन्फ्यूज हो जाते थे कि इस तरह बोल रहे तो शायद वो विंग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए ना उसने ग्रैंड में बोला, तो फिर ना जो विंग होता है वो उसके तरफ देखता है और पाउट करता है, और फिर ना उसके पाँव पे एक जोर से ना ऐसे किक मारता है, तो फिर जो वो पर्सन होता है वो जो जिसने मास्क पहना होता है वो ना नीचे गिर जाता है, और उसकी तरफ गुस्से से देखते और कहता है विभूषण, उस तरह बोलता है, तो फिर ना जो कहते कि ना उस तरह उसको मुँह चढ़ाता है, और फिर कहते हैं तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कह के ना वो उसके पीछे ना उसको ना विंग को ना चेस करने लगते हैं, और जो विंग होता है वो भी भाग रहा होता है, तो फिर ना वो ना उसके आगे ना शुयांग आ जाता है, जो मार्क्स वाला पर्सन होता है उसके आगे शुयांग आ जाता है, और शुयांग के पीछे ना विंग छुप जाता है, और फिर कहते हैं हट जाओगे सर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं उस विंग को, वो इस तरह बोलते, और फिर ना उसके आगे से ना विंग हट नहीं उसके आगे से शुयांग हट नहीं रहा होता है, तो फिर ना वो आउट कर लेता है, और फिर ना जो मार्क्स वाला पर्सन होता है तो फिर ना सारे हंसने लग जाते हैं उस पर, और फिर ना जो वो होता है तो फिर ना जो बहुत सैरन होती है कहते हैं तुम दोनों ब्राट्स तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, तुम दोनों कितना लड़ते हो, वही बोलते हैं, और फिर ना चलो इधर, तो फिर ना कहते हैं आए ग्रैंडमा, दोनों इस तरह बोलते हैं, और फिर ना सब शौक रहते दोबारा से ग्रैंडमा पर्सन भी ग्रैंडमा क्यों बोल रहा है, तो फिर ना जो अब वो होते हैं अंकल चैलेंज वो कहते हैं कि ना एल्डर ये आपके थ्री
हाई डिसिपल्स हैं, हाई डिसिपल्स हैं जो हाई आपके ना वो है स्टूडेंट्स हैं, और ये कौन है ये पर्सन जो मार्क्स गया हुआ, तो फिर ना वो ना जो पर्सन होता है वो ना पाउट कर लेता है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, सब उसको जानते तो थे, बट यहाँ पर उसने मार्क्स लगाया था और ना इस तरह बैठा हुआ था, तो अचानक से आया था तो किसी को ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में, सबका सबने उसका नाम सुना होता बट किसी ने उसको देखा नहीं था, और वो पाउट कर लेता है, और ये देख के ना विंग और श्वेंग ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, और फिर लेकिन ना जो अंक चरण ना थे वो ना विंग को घूर के देखते हैं, बट ना घूर नहीं पाते, बिकॉज जो जैसे वो घूरने घूरते ही है ना, तो जो बहुत से सैलोन थे वो घूर के ना अंकल चरण को देखते हैं, तो वो अपने आईज नीचे कर लेते हैं, और जो विंग होता है वो अपनी ना हंसी को कंट्रोल करते हैं, उसके ना पास जाके ना उसको कहते हैं, देखो ओ तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हें तो कोई नहीं जानता, किसी को पता भी है तुम कौन हो, इस तरह ना ऐसा ना बेबी वॉइस में बोलता है, और फिर ना जोर से फिर से हंसने लग गया था, और जो वो पर्सन होता है मार्क्स वाला वो ना विंग के ना पेट में ना ऐसे ना हल्के से ना मारता है, मुक्का मारता है, तो फिर ना विंग कहता आ इतने जोर से मारा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, वो इस तरह बोल के ना फिर हंसने लग गया था, वो कहते हैं तुम्हें बेबू श्यान में तुम्हें देख लूँगा, वो इस तरह बोलता, और फिर ना फेस स्ट्रेट कर लेता, और फिर ना उन सब के तरफ देखता, और फिर ना उनको भोगता, और फिर कहते हैं ना मेरा नाम ना शाहजहान है, वो इस तरह बोलता, और फिर ना सारे शो को देते वॉट शाहजहान जो कि लाइट और डार्क कल्टिवेशन दोनों को जानता है, और डार्क कल्टिवेशन वो पहले स्टार्ट पहले करता था, और वो बहुत ही ज़्यादा मास्टर, वो मास्टर है डार्क कल्टिवेशन का, बट किसी वजह से ना कुछ उसी ना पास्ट में हुआ, जिसकी वजह से ना उसकी जो फुल मेमोरीज हैं वो हाफ से ज़्यादा चली गई हैं, जिसकी वजह से वो डार्क कल्टिवेशन नहीं बल्कि लाइट कल्टिवेशन यूज़ करते हैं, और वो बहुत से सैरन के साथ ही रहते, बट किसी को ये चीज़ पता नहीं थी, और फिर ना जो वी होता वो कहता ओ व्हाट अ एटीट्यूड, मेरा नाम शाहजहान है, इस रोबोट और फिर ना उसकी तरफ देख रहा था, और फिर ना जो ना फिर से श्वेंग ना श्वेंग और विंग हंसने लगते, और फिर ना सोंग लान कहते कि ना आएंग ना तंग करो उसको, तुम्हारा भाई है वो इस तरह बड़ा भाई है वो तुम्हारा, ये सुन के फाने और ज़्यादा शो कहते व्हाट बड़ा भाई, सारे ऐसे देखने लगते, और फिर कहते कि नहीं ये बड़ा भाई ये डम्बो, वो इस तरह बोलते, और फिर कहते कि ना मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो फिर ना जो शाहजहान था वो ना अपने आइस को रोल कहते कहते हाँ हाँ पता है कितने ज़्यादा वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके तरफ देखते और फिर ना अपने आइस को रोल करते हैं, तो फिर ना वहाँ सारे ना शौक होते हैं, और फिर ना जो अंकल चरण होते हैं वो सभी शौक होते हैं, तो फिर ना जो बहुत से सैरन होती हैं वो चक्कर करती है, बिकॉज उनके ना फेसेस को उन्होंने देख लिया, तो यहाँ पर ना जो चंगशांग ये सारे शौक होते हैं, और फिर ना जो वो पर्सन होता है मार्क्स वाला जो शाहजहान होता है वो अपने ना मार्क्स को उतार देता है, और वो कहते हैं मेरा फुल नेम शाओ वी सान है, और जो ये बेवकूफा के सामने खड़ा है इसका नाम शाओ वी यिंग है, तो फिर ना वो इस तरह बोलता है, और फिर ना जो विंग होता है वो ना उसकी तरफ नॉइड फेस से देखता है, और फिर ना कहते कि ना हाँ हाँ तुम्हें मेरा नाम बताने का ज़रूरी था, तो फिर ना सारे शो को जाते कि तो व्हाट वो जो ट्विन जेड्स हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल है वो तुम दोनों हो, तो फिर ना सारे ना जो विंग होते वो काफ़ी प्राउडली बोलते कहते यस हम है, वैसे बोलते हैं, और फिर ना जो ना कहते ना चलो हो गया इसका ड्रामा शुरू, वही सब बोलते, तो फिर ना विंग होते तो घूर के देखते और कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तो कहते हैं ओह रियली मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू बताने के लिए, दोनों ना आपस में फिर से लड़ने लगते, तो फिर ना जो शाओशिंग ना होता है वो दोनों के सामने आ जाते, कहते बस वो तो गया चुप, तो फिर कहते कहते अंकल तू ना ऐसे ना विन करने लग जाते, तो फिर कहते शड़ा दोनों चुप बिल्कुल साइलेंट, तो फिर ना दोनों बिल्कुल चुप हो जाते, और फिर ना जो वो होते हैं अंकल चरण वो उनकी तरफ देखते हैं, और फिर ना जो बहुत से सैरन होते हैं वो बताना स्टार्ट करती हैं, और गाइस अब हमें ना सारी थोड़ी सी ज़्यादा कन्फ्यूजन अपना क्लियर हो जाएगी, और गाइस आपने सुना होगा शाओ वी सान, वेल ये ना एक वो थी एफएफ एक्सप्लेनर, और मुझे ना ये ना बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने इसको ऐसे लिया, और
मुझे अच्छा लगा था तो मैंने इसको ना ऐसे लिया, और ना यहाँ पे ना जो शाहजहाँ है, शाहजहाँ वो ना वी नेम उसके फुल नेम में आता है, बट वो ना नेम यूज़ नहीं करता वी वाला, और जो विंग है उसको ना शाह नहीं पसंद, नेम शाह नहीं पसंद, जिसकी वजह से ना वो वी वाला यूज़ करता है, और उसका नाम वी यिंग है और उसका नाम शाहजहाँ है और वो जान है और वो विंग है, तो इस तरह ना करके नाम मैं पढ़े। और गाइस मैं आपको पता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रही हूँ और मेरा खुद का दिमाग खराब हुआ हुआ है। और तो अब देख लें कि जो जो होती हैं बहुत से सैरन वो बताना स्टार्ट करती हैं।